देश में कोरोना को लेकर कोहराम सा मचा हुआ है। हर कोई अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तमाम तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त, सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव। बेबी डॉल सिंगर कनिका को कोरोना 9 मार्च को लंदन से लखनऊ आई थी और लखनऊ की एक पार्टी में, दो पार्टियों में वो शामिल हुई थी। पार्टी में शामिल थे 100 से ज्यादा लोग। कनिका कपूर को आइसोलेशन में रखा गया। एयरपोर्ट पर जांच से बचने का भी कनिका पर आरोप लगा है। बिना जांच एयरपोर्ट से निकली थी कनिका कपूर, बेबी डॉल सिंगर कनिका कपूर को कोरोना। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लखनऊ में दो पार्टियों में शामिल हुई थी बेबी डॉल सिंगर कनिका कपूर। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर हैं कनिका कपूर, कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। लंदन से लखनऊ आई थी और यह भी खबर आई कि एयरपोर्ट पर वो ग्राउंड स्टाफ की मिलीभगत से वॉशरूम से छिपकर निकल गई कनिका ने। संडे को लखनऊ की दो बड़ी पार्टियों में हिस्सा लिया, जहां एक तरफ लोग परहेज कर रहे हैं, सार्वजनिक जो पार्टीज हो रही हैं उन पार्टीज में लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन कनिका कपूर ने दो पार्टियां अटेंड की हैं। बेबी डॉल सिंगर कनिका को कोरोना, और अब एक बार फिर से कोरोना को लेकर बहस किया। कुछ इस तरह के लोग भी इस समाज में हैं और खासकर बड़े सेलिब्रिटी जिनका विदेश आना जाना लगा रहता है, जिन्हें सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। कनिका कपूर उन सिंगर्स में शामिल हैं जो लंदन में थी और उससे पहले न जाने और कौन से देश में, लेकिन जब वो भारत वापस आई, वो लखनऊ पहुंची तो वो कोरोना पॉजिटिव थी। और ये भी आरोप उन पर लगा कि एयरपोर्ट पर उन्होंने जांच पड़ताल नहीं कराई, वॉशरूम में छिपकर वहां से भाग निकली ग्राउंड स्टाफ की मदद से। कनिका कपूर कोरोना मामले में बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है, बेबी डॉल सिंगर कनिका को कोरोना हुआ। तो कनिका कपूर कोरोना मामले पर बड़ा खुलासा। कनिका कपूर 13-14 मार्च को कानपुर में थी, मामा विपुल टंडन के घर वो रुकी थी कनिका कपूर। ये एक और खबर इससे जुड़ी हुई निकल कर आ रही है। लखनऊ में दो पार्टियां अटेंड की, कानपुर में मामा के घर पर वो रुकी। कितने लोग उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द, क्योंकि सेलिब्रिटी के तौर पर लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हुए, उनके साथ वक्त बिताते हुए, उनके अगल बगल तस्वीर जो निकल कर आ रही है उसमें दिखाई दे रहे हैं। कनिका कपूर मामा विपुल टंडन के घर रुकी थी। कोरोना मामले पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। दहशत एक बार फिर से कोरोना को लेकर, हर कोई डरा हुआ है। इतना ही नहीं, उस पार्टी को अटेंड करने वाले, एक तस्वीर भी बगल में आप देख रहे हैं जहां कनिका कपूर आती हुई एम्बुलेंस में बैठती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, उस पार्टी में तकरीबन, जिस पार्टी को कनिका कपूर ने अटेंड किया, उसमें 100 से ज्यादा वीवीआईपी लोग भी थे। उस पार्टी में नौकर चाकर सभी थे। अब उनमें दहशत है, जो तमाम कर्मचारी भी उस पार्टी में रहे उनमें भी दहशत है। वीवीआईपी जो उस पार्टी में थे उन्होंने भी अपना टेस्ट करवाया है, यानी कि डर का माहौल वीवीआईपी में भी है। कनिका लखनऊ के ताज होटल में ठहरी थी और दो पार्टियों में शामिल हुई थी। एक तस्वीर भी देख सकते हैं आप, और इस तस्वीर में आपको सब, अगर चेहरों को पहचानिएगा तो एक चेहरा आप साफ तौर पर पहचान सकते हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। उधर मामा के घर पर रुकी थी, यानी कि मामा का परिवार भी उनसे मिला होगा। कनिका कपूर 13-14 मार्च को कानपुर में थी अपने मामा के घर, मामा विपुल टंडन के घर रुकी थी कनिका कपूर। कनिका कपूर कोरोना मामले पर बड़ा खुलासा यह हुआ है। मामा विपुल टंडन के घर रुकी थी कनिका। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, लेकिन जिम्मेदारियां कहां हैं? अपनी जिम्मेदारी का एहसास आखिर
होता क्यों नहीं है लोगों को। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव, क्या सैकड़ों लोगों को खतरे में डाला है कनिका ने? ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब हर कोई खोजना चाह रहा है ऐसे वक्त में, क्योंकि यही सेलिब्रिटी समाज का एक दर्पण के तौर पर इन्हें देखा जाता है, शीशे के तौर पर देखा जाता है। अगर एक बार एक किसी चीज पर ये बात करते हैं, एक अपील करते हैं, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कनिका कपूर ने क्या कर दिया? कनिका कपूर ने खुद सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने ये कहा, एक सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि उन्हें फीवर है और तमाम तरह की बातें उन्होंने लिखी। एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग हुई और लेकिन इस दौरान लक्षण पाए गए। कनिका का कोरोना कनेक्शन क्या है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। क्यों एक बार फिर से लखनऊ और कानपुर में दहशत का माहौल कोरोना को लेकर है? लखनऊ में दो पार्टियां अटेंड की थी कनिका ने। पहली पार्टी पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के वहां थी, 15 मार्च को हुई थी यह पार्टी। पार्टी में कई बीबीआईपी शामिल हुए थे, अंदाजा लगाया जा सकता है बीबीआईपी का और भी मूवमेंट होता है लोगों से जुड़ना। कनिका ने पार्टी में गाना गाया था। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह पार्टी में शामिल हुए थे, उनकी पत्नी भी इस पार्टी में मौजूद थी, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी भी मौजूद थी। जयप्रताप सिंह कोरोना की जांच कराएंगे, तमाम जो बीबीआईपी थे वो अब जांच पड़ताल करा रहे। दूसरी पार्टी लखनऊ के ताज होटल में थी। आदेश सेठ ने ये पार्टी दी थी, जितेंद्र प्रसाद के ससुर हैं आदेश सेठ। तो अब कनेक्शन को खोजा जा रहा है कि कनिका का कोरोना से कनेक्शन। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि कनिका ने अपने साथ साथ उन तमाम लोगों की जिंदगी से भी, उनको उनकी जिंदगी को भी क्या खतरे में नहीं डाल दिया? क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पर आपने जानकारी दी इस बात की कि आपको फीवर है या जो भी चीज, और एयरपोर्ट पर जब आपकी स्कैनिंग होती है उस दौरान आप पर कोरोना के लक्षण मिलते हैं, पाए जाते हैं आप में, और फिर साथ देने की बजाय, आइसोलेट होने की बजाय वॉशरूम के सहारे भाग निकलना क्या कहता है? लखनऊ में दो पार्टियां अटेंड की, कानपुर में मामा के घर पर कनिका कपूर रुकी। इन तमाम सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। नीरज लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सीधे आपके पास आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कनिका ने पार्टी अटेंड की, कनिका के संपर्क में, माफ कीजिएगा, कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। कानपुर में मामा का घर है। नीरज, जानना चाहेंगे मामा के घर पर कितने दिन, कितना घंटा रुकी हैं और किस तरह से अब माहौल वहां पर है, स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है? देखिए पंकज, आपको बता दूं जो जानकारी मिल पा रही है उस हिसाब से विष्णुपुरी नवाबगंज एरिया है, वहां पे गवर्नर टावर है, वहां यहां पे इनके मामा रहते हैं। विपुल टंडन नाम बताया जा रहा है क्या है, कोई गृह प्रवेश की पार्टी थी वहां पे, ये 13 और 14 तारीख को वो रुकी हुई थी और उसमें कई तमाम लोग जो मौजूद थे पार्टी में उनके साथ फोटो सेल्फी सेशन भी हुआ था, जिसके बाद से अब जब जानकारी हुई तो पूरे अपार्टमेंट के लोग हैं वो सकते में हैं। हालांकि जो अधिकारी है उनको भी अभी मिल रही है, लेकिन अभी भी कोई भी टीम जो है उस अपार्टमेंट में नहीं पहुंची है और अभी जो लोग हैं वहां पे वो सेशन में है। जी बदल नीरज, जिस तरीके से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की बात, और आपने बताया कि अपने मामा के घर पर रुकी, और जैसे कि लखनऊ में कई दो पार्टियों को अटेंड किया, कई बीबीआईपीज वहां पर थे और वो बीबीआईपीज अब अस्पताल पहुंच रहे हैं, अपना चेकअप करा रहे हैं, क्या उनके मामा के घर या उनसे संपर्क जिन लोगों का इस दौरान हुआ, इस दौरे के दौरान जब वो वहां रुकी थी, वो लोग भी चेकअप करा रहे हैं? देखिए अभी जो जानकारी मिल पा रही है, जैसे ही इस चीज की पुष्टि हुई कि कनिका को कोरोना पॉजिटिव निकला है, उसके बाद से कानपुर में चुकी वो रुकी थी, तो कानपुर में जो अपार्टमेंट है वहाँ पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप है अभी। हालांकि परिवार की तरफ से कोई भी तो मामले पर नहीं बोला है, लेकिन अधिकारियों के पास ये जानकारी पहुंच गई है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिला प्रशासन और जो सीएमओ की टीम है वो उस अपार्टमेंट में जा सकती है, कार्रवाई और जाँच जो अन्य चीजों की है वो कर सकती है। नीरज, जितना वक्त यहां पर बिताया है कनिका ने, उस वक्त के दौरान
उनका किस तरह का कार्यक्रम रहा था, कोई पार्टी ऐसी रही थी, गेट टुगेदर रहा था, कितने लोग उनसे मिले जुले होंगे, कोई जानकारी? देखिए, जो जानकारी पंकज मिल पा रही है तो यहाँ पे उसके मामा के यहाँ गृह प्रवेश का एक कार्यक्रम बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उसमें वो सम्मिलित हुई थी, तकरीबन 50 लोग बताए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो अपार्टमेंट है वहाँ पे चूंकि सेलिब्रिटी है तो उनके साथ सेल्फी और फोटोशूट का सेशन भी बताया जा रहा है यहाँ पे चला हुआ था। पंकज, फोटोशूट भी हुआ है? नीरज, जिस तरीके से कोरोना को लेकर सजग होने के लिए स्वास्थ्य महकमा कह रहा है और हाथ मिलाने से बचें, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, गृह प्रवेश का कार्यक्रम गेट टुगेदर हुआ है, और जिन जो लोग इनकी मामा की फैमिली में हैं, आपने कहा कि स्वास्थ्य महकमा अभी तक उन तक पहुंचा नहीं है, क्या जानकारी सही है? स्वास्थ्य महकमा सतर्क नहीं है, इसका मतलब एक तरफ हल्ला हो चुका है, लखनऊ में तमाम जगहों पर कार्रवाइयाँ हो गई, जहाँ जहाँ जिस सैलून में वो गई उस सैलून पर कार्रवाई, जिस होटल में वो गई उस होटल में कार्रवाई, जिन लोग जो लोग उनके संपर्क में आए उनको खंगाला जा रहा है, लेकिन कानपुर में नहीं। जी, अभी तक पंकज कोई भी हमला जो है सरकारी जो जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं पहुंचे हैं वहाँ, जो हमारे पास जानकारी कुछ ही देर पहले जो बातचीत हुई थी उस हिसाब से नहीं पहुंचे। अब इतनी मामला मीडिया में आने के बाद, उन चीज़ों का चर्चा में आने के बाद, अब ऐसी संभावना है कि जल्द ही वहाँ टीम पहुँचेगी। पंकज, चलिए नजर बनाए रखिएगा नीरज इस खबर पर और जानकारी जुटाइएगा कि आखिर कोरोना को लेकर एक तरफ जहाँ पूरे देश में सवाल जवाब का सिलसिला, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आने से अपने आप को रोका जा सकता है, बड़े बड़े बीबीआईपी सेलिब्रिटी, पहले एक मुहिम के तहत ये देखा गया कि जब देश के प्रधानमंत्री ने होली मिलन के कार्यक्रमों को रद्द किया, उसके बाद तमाम सेलिब्रिटीज़ ने ये किया कि वो भी नहीं जाएंगे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन कनिका कपूर ने ये क्या कर दिया। कनिका कपूर कानपुर पहुंची, लखनऊ पहुंची, लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। चंद्रमणि, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सैकड़ों लोगों को खतरे में डाला है कनिका ने? जी बिल्कुल, ये स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि कनिका ने न सिर्फ लखनऊ के बल्कि तमाम जो आस पास के इलाकों हैं उनको संकट में डाला है। जिस तरह से कनिका लखनऊ में आई थी और जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम किया था, उसके बाद में कई मंत्री और कई अधिकारी जिस तरह से कनिका के संपर्क में आए थे, उससे कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल जरूर है। और जिस तरह से लखनऊ की बात करें, लखनऊ में आम आदमी में भी दहशत है। जिस तरह से गैलेंट अपार्टमेंट में वो ठहरी थी, उस अपार्टमेंट करीब 5 लोग रहते हैं और वहीं पर जो आसपास का इलाका है वहां जिलाधिकारी की तरफ से सब कुछ बंद कर दिया गया है। वहीं लखनऊ के ब्यूटी पार्लर, सैलून, जितनी भी चीजें जहां पर आम आदमी पहुंचता है वो सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लखनऊ में इस समय स्थिति जरूर कुछ ना कुछ गंभीर नजर आ रही है। क्या उन लोगों को खोजा जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है चंद्रमणि, जो लोग इन दो पार्टियों में शरीक हुए होंगे, जिसमें बीबीआईपीज भी हैं, जिसमें और राज्यों से भी लोग पहुंचे थे? जी बिल्कुल, उनको चिन्हित किया जा रहा है और जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे जो किसी न किसी रूप में कनिका से संपर्क में आए थे, चाहे बेटे का बेटे हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे अन्य राज्य से जो लोग आए थे, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें उनकी टेस्टिंग की जा रही है। और खासतौर से जो वैलेंट अपार्टमेंट है जहाँ कनिका रहती थी, जहाँ उनका परिवार निवास करता है, वहां पर भी लगातार जांच चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग वहां पर हैं उनकी रिपोर्ट निगेटिव आए, जिससे जो प्रभावित लोग हैं कम से कम संख्या हो सके। जी चंद्रमणि, दो पार्टियां लखनऊ में हुई, दोनों पार्टियों में अगर बीबीआईपी की बात करें, फेमस राजनेताओं की बात करें, जल्दी जल्दी में उन नामों पर जरा गौर फरमाइएगा, कौन कौन से लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे? जी ऐसे हम पक्का तौर पर नहीं कह सकते, पर जिनके नाम आ रहे हैं उनमें स्वास्थ्य मंत्री का भी नाम आ रहा है, साथ में जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत कुमार, उनका भी नाम आ रहा है, साथ में कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद का भी नाम आ रहा है। तो ये तमाम नामों को लेकर इस समय चर्चा है। अब ये कंफर्म करना होगा कि कौन कौन था, हालांकि चर्चाएं चल रही है कि इन नामों को लेकर कि इस पार्टी में शरीक हुए थे और उसके बाद में जिस तरह से ये
एक विस्फोट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत से अन्य राज्य से भी लोग आए थे और जिस तरह से कनिका कपूर एक मारी जाती सेलिब्रिटी है और उनको इस तरह से एहतियात बरतना चाहिए था, कुछ प्रोग्राम टाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बरता और जो उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी थी वो उन्होंने निर्वाह नहीं किया और जिसका नतीजा शायद बहुत से निर्दोष लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इस अफवाह के बाद में जिस तरह से लखनऊ में पैनिक क्रिएट हुआ है, जिस तरह से लोग दहशत में हैं वो काफी भयावह है। जी एक और सवाल यहाँ पर है, वो ये कि कनिका बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये बात कर रही हैं कि वो किसी पार्टी का हिस्सा बनी ही नहीं और घर में गेट टुगेदर था उसी में वो शामिल हुई जिसमें बहुत कम लोग थे। अगर उनका उनका दावा है उनको क्यों गेट टुगेदर करना चाहिए था, उन्हें जरा सा क्यों वो एयरपोर्ट पे नहीं रुके, वो तमाम सवाल है उनसे पूछे जाने चाहिए। हालांकि वो आइसोलेशन वार्ड में पीजीआर में भर्ती है पर उनसे तमाम सवाल बनते हैं कि जब वो एयरपोर्ट पे आई तो उन्होंने नियमित जांच क्यों नहीं कराई, अगर वो वहीं पर जांच करा लेती तो उतना बवाल नहीं होता और जो साधारण आदमी है जो उनको एक सेलिब्रिटी की तरह देखता है, जो उनको प्यार करता है, उसके साथ में इस तरह से जो इस तरह से उन्होंने अपनी बीमारी दूसरे को प्रदान की है, जिस तरह से सरकार इतनी गंभीर है इस मुद्दे पर, तो कनिका कपूर को एक जो सामाजिक भूमिका। चलिए चंद्रमणि आप एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ, एक और बड़ी खबर कनिका कपूर से जुड़ी हुई आ रही है, कनिका कपूर की सोसाइटी को सील किया गया है, शालीमार ग्लेंट में कनिका कपूर का फ्लैट है और शालीमार ग्लेंट के निवासियों में वायरस का खौफ, कनिका के सोसाइटी को क्वारंटाइन में रखा गया है। कनिका कपूर हाल ही में लंदन से लौटी थी और कनिका का घर लखनऊ के ही महानगर इलाके में है, लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती हुई और उनके कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पूरी सोसाइटी को क्वारंटाइन प्रक्रिया के तहत 14 दिन के आइसोलेशन में रहना होगा। शालीमार ग्लेंट में है कनिका कपूर का ये फ्लैट, शालीमार ग्लेंट के निवासियों में वायरस का खौफ, कनिका के पड़ोसियों के सैंपल भी केजीएमयू भेजे गए हैं। घटना के सामने आने के बाद पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मचा है और खबर यह है कि 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है इस सोसाइटी को क्वारंटाइन प्रक्रिया के तहत। कनिका की सोसाइटी में है 700 फ्लैट, शालीमार ग्लेंट में है कनिका का ये फ्लैट, शालीमार ग्लेंट के निवासियों में वायरस का खौफ है, कनिका के पड़ोसियों के सैंपल भी केजीएमयू भेजे गए हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर कनिका कपूर कोरोना मामले पर आती हुई, 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया ये सोसाइटी का इलाका, सोसाइटी को क्वारंटाइन प्रक्रिया के तहत 14 दिन के आइसोलेशन में रहना होगा। शालीमार ग्लेंट में कनिका कपूर का फ्लैट है। तो कनिका कपूर जानी मानी सिंगर बॉलीवुड की कोरोना पॉजिटिव पाई गई। चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, खबर अब यह भी आ रही है कि जिस सोसाइटी में कनिका का फ्लैट है उस सोसाइटी को भी अब आइसोलेशन में रहना होगा, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनके जो सैंपल हैं वो केजीएमयू भेजे गए हैं जांच के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कनिका के बाद में कनिका को जिस तरह से कोरोना पीड़ित माना गया था उसके बाद से ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और सिर्फ अपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि आधे लखनऊ को लगभग बंद कर दिया गया है, चाहे महानगर का इलाका हो, चाहे विकास नगर का इलाका हो, चाहे सुखरेल की तरफ का इलाका हो, पूरा इलाका ही बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से सिर्फ जरूरी जो वस्तुएं हैं उन्हीं को लेकर, उन्हीं सेवाओं को लेकर वहाँ पर सिर्फ सुचारू रूप से काम चल रहा और सारी सेवा बंद कर दी गई है। तो एक कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति देखी जा रही लखनऊ के लिए। हालांकि लोगों से अभी भी अपील है कि पैनिक ना हो और जिस तरह से समस्या है उसका निदान करें और लोगों जो आस पड़ोस के लोगों से कम मिले और अपने जो जितनी भी वस्तुएं हैं जो सैनिटाइजर की वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करें जिससे इस महामारी से बचा जा सके। जी चंद्रमणि, जिस तरीके से कनिका
को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद से आपने कहा कि एहतियात के तौर पर सील किया गया सैलून को, और जिस गार्डन में वो थी, जिस इलाके में जो पार्टी हुई, जिस होटल में पार्टी हुई वहाँ भी। लेकिन अब स्वास्थ्य महकमे के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वो जो लोग उस पार्टी में मौजूद थे उनको कैसे खंगाला जाए, कैसे उन्हें उनका ट्रीटमेंट किया जाए, आइसोलेशन में उन्हें रखा जाए, इस चुनौती को कैसे स्वास्थ्य महकमा देख रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से करीब आंकड़ा आ रहा है कि लोगों का कहना है कि 500 लोग कनिका के संपर्क में आए थे, और जिस तरह से अपार्टमेंट में भी करीब 500 लोग रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और जिस तरह से 500 लोग अन्य 500 लोगों के संपर्क में आए थे, तो अब ये निर्धारित कर पाना कि किस तरह से लोग संक्रमित हैं या नहीं। और अब ये एक दिन ये कहा जा सकता है कि इनको प्रार्थना की जा सकती है कि जितने कम लोग संक्रमित हो, जितने कम लोग कनिका संपर्क में आए हो, वही बता सकता है स्वास्थ्य महकमे का। हालांकि तमाम दावे कर रहा है कि वो जितने भी अपार्टमेंट है जहाँ पर कनिका गई थी, सबको आइसोलेट किया जा रहा है। जहाँ पर उनसे संपर्क में आई थी उनको उनकी जांच की जा रही। और इस तरह से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों से कनिका ने मुलाकात की, तो उसके बाद में ये स्थिति एक गंभीर स्थिति है, और उससे स्वास्थ्य विभाग कैसे निपटेगा ये देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा। चंद्रमणि शुक्ला आपके पास, फिर हम अपडेट के लिए आएंगे।